The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? दोस्तों ठंड बहुत हो गई है और ठंड में अगर आपके हाथ के जॉइंट्स और उंगलियां भी सूज जाती हैं, लाल हो जाती है, कभी जलने लगती है, कभी दर्द देती है, तो फिर आपको हो रहा है चिलब्लेन्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में कि ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, राइट? सो चिलब्लेन्स जो है वो पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि आपके उंगलियों के अंदर खून की नसों में इन्फ्लामेशन हो रहा है, राइट? इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो चिलब्लेन्स का मतलब है आपकी शरीर में, हाथों में, पैरों में जाने वाली छोटी छोटी खून की नसें होती हैं, उन छोटी छोटी खून की नसों में इन्फ्लामेशन, यानी कि ठंड के वजह से या रिपीटेड कोल्ड एक्सपोजर के वजह से, ठंडी ठंडी हवा लगने की वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है। वहां सूजन आ सकती है और खून की नसों में इचिंग, वहां पे उस सूजन के वजह से हाथों में आपके इचिंग, लाल कलर के पैचेस, स्वेलिंग, इवन कभी कभी ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। चिलब्लेन्स जो हैं एक हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक रह सकते हैं, अगर आप अपने हाथों को वार्म रखेंगे, गर्म रखेंगे और ठंड से बचाएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे और बढ़ेंगे नहीं, अगली बार आएंगे नहीं। इसके हर साल आप अगर आपको आते हैं तो हर साल आपको ये आने के चांसेस हैं, तो हर साल आपको ठंड के मौसम में अपने आपको हाथों को बचाना, हाथ पैरों को बचाना पड़ेगा। सो प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड एंड यूजिंग लोशंस, लोशन यूज कर सकते हैं आप, मॉइस्चराइजिंग लोशंस टू सिम्टम्स के लिए, राइट? अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक एंटी इन्फ्लामेटरी आप केवल सिर्फ पैरासिटामोल ले सकते हैं और उसकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। चिलब्लेन्स फ्रॉस्ट बाइट जैसा नहीं है जिसमें कि परमानेंट उंगलियों में डैमेज हो सकता है, इस चिलब्लेन्स में आपके किसी प्रकार का कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। टेम्परेरीली जरूर आपको दिक्कत होती है, लेकिन कुछ टाइम पे अगर आपका इस चिलब्लेन्स के ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तब प्रॉब्लम हो सकती है, फिर सीवियर डैमेज हो सकता है अगर आप उसे ट्रीटमेंट ना करें। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसको अवॉइड करें, कोल्ड का एक्सपोजर अवॉइड करें, सही तरीके के कपड़े पहने और जो भी स्किन आपकी एक्सपोज्ड है उस एक्सपोज्ड स्किन को कवर करें। तो ये तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं आपको चिलब्लेन्स है या नहीं, तो चिलब्लेन्स में आपके स्किन के ऊपर, हाथों या पैरों में छोटे छोटे लाल इची एरियाज, लालपना आएगा, कभी कभी वहां पे अल्सर्स हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं आपके हाथों में, और स्किन का कलर जो है कई बार डार्क ब्लू भी आ सकता है दर्द के साथ। तो ऐसे में अगर आपको दर्द ज्यादा हो रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है या कोई इन्फेक्शन के साइन है वहां पे, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। और इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, ये एक एबनॉर्मल रिएक्शन है आपकी बॉडी का जो ठंड से आपकी बॉडी करती है, और ये हर साल होगा तो आपको ठंड से बचना ही पड़ेगा। सो अगर आप रिस्क फैक्टर देखना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे जो बहुत टाइट है तो वो आपके कोल्ड से एक्सपोजर बढ़ा देगा। फीमेल्स को ये ज़्यादा कॉमन होता है, वजन अगर आपका कम है, चमड़ी में फैट का लेयर कम है तो भी ज़्यादा चांसेस हैं। इन्वायरमेंट पे डिपेंड ऑब्वियसली करता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है तो भी ऐसा होगा। एक और बीमारी है जिसको कहते हैं रेनर्स डिजीज। रेनर्स डिजीज में क्या होता है, जो लोग का रेनर्स डिजीज में ब्लड सप्लाई कम होता है उनके हाथों में, एक्सट्रीमिटीज में, तो उन लोगों में और ज्यादा सक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी चिलब्लेन्स होने की। या फिर आपको अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में भी आपको चिलब्लेन्स होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। ऐसे प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे। इसके कॉम्प्लिकेशंस में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। ब्लिस्टर या अल्सर होता है तो स्किन की प्रोटेक्टिव एपिथेलियल लेयर फट जाती है, तब आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शन अगर हो जाए तब दिक्कत आएगी, वरना नहीं। तो अवॉइड करें ठंड को, ठंडे एक्सपोजर्स को, अच्छे सही तरीके के कपड़े पहने, जितनी भी स्किन एक्सपोज्ड है उसको ढक के रखें, अपने हाथों को, पैरों को ड्राई
और वॉर्म रखें, मॉइस्चराइज करें बहुत ज्यादा, ड्राई ना हो जाए, फ्लेकी ना हो जाए, और अपने घर को, अपने और वर्क प्लेस को कंफर्टेबली वॉर्म रखें। स्मोकिंग करते हो तो ना करें, बिकॉज स्मोकिंग से भी ब्लड सप्लाई जो है वो आपके एक्सट्रीमिटीज में कम हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। सो चिल ब्रेन्स के लिए दवाई के नाम पे ऐसे कुछ दवाइयाँ आती हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज जस्ट कि हाथों को वार्म रखें, ड्राई रखें और अंदर रखें, बंद रखें, जो मैंने प्रिकॉशंस बताए। लेकिन फिर भी अगर आपके होम रेमेडीज से वो ठीक नहीं हो रहे, तब डॉक्टर के कहने पे आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो आपको निफिटिपीन नाम की एक दवा आती है और लगाने के लिए टॉपिकल स्टीरोइड क्रीम्स आती हैं, जो कि जल्दी क्लियर करने में हेल्प करेंगे चिलब्रेन्स को, इन्फ्लामेशन कम करने में। निफिटिपीन जो है एक तरीके की ब्लड प्रेशर की दवा है, जो छोटे छोटे खून की नसें, जो बेसिकली ब्लड वेसल्स ओपन करती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। सो निफिटिपीन के वजह से आपके फ्लशिंग होने के रिस्क होते हैं बॉडी के अंदर, और इवन उसके वजह से एज अ साइड इफेक्ट स्वेलिंग आने के रिस्क होते हैं हाथों पैरों में, नौशिया डिजीनेस का रिस्क होता है। तो वो जनरली नहीं दिया जाता, सिर्फ अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि उससे फायदा होगा तभी देना पड़ता है। होम रेमेडीज ही बेस्ट है आपके लिए। रिवॉर्मिंग करिए, लोशंस लगाइए, स्क्रैच वैच नहीं करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, दिस वुड डू। ओके, इफ अगर आपको ऐसा कुछ है तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अस इम्प्रूव द हेल्थ लिटरेसी ऑफ आवर पीपल। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।